वेलकम स्टूडेंट्स। अब हमने अभी कुछ कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स और कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में जानने की बात की। अब हम इसके आगे चलते हैं जिसमें हमें बात करनी है एक और टर्म की जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब देखिए फील्ड क्या होता है। आपने क्लास 11th में एक वर्ड पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड, वो समझना बहुत आसान है। अर्थ के आसपास का सारा इलाका जहां पर अर्थ की ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखती है, ऑल रीजन अराउंड अर्थ वेयर अर्थ ग्रेविटेशनल पुल कैन बी फेल्ट। अब फील कौन करेगा? ऑब्वियसली अ सब बॉडी हैविंग मास। किसी मास वाली बॉडी को आप कहीं रखेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। मान लीजिए मैंने इस चीज को यहां रखा या आपके सामने और ये नीचे गिरी। अब ये नीचे गिरने का क्या मतलब है कि इस हिस्से में ग्रेविटी है, इसको खींच रही है, आपका ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये तो हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी के साथ दूसरी चीज है इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिल्कुल एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है हम ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करते हैं फोर्स एक मास के ऊपर लगने वाली, इसमें बात करेंगे फोर्स जो है चार्ज पर लगेगी। तो पहले टेक्निकली डेफिनेशन आपको बता दूं, द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स, द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है। हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, बड़ा है छोटा है जो भी है अपना अपना फील्ड है। लेकिन इसी के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपने पढ़ा, इसके साथ एक और शब्द जोड़ते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहां देखिए मैंने वर्ड लिखा इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंथ, ताकत कितनी। अर्थ हर बॉडी को अपने पास खींचती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू कितनी है, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू कितनी है और अगर आप आंसर 9.816 बताते हैं तो गलत। क्यों गलत है यह समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए अर्थ का पुल सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर सी लेवल के ऊपर 9.816 है, हमेशा 9.816 नहीं। आपको पता है ऊपर जाते हैं तो भी पुल कम हो जाता है, अर्थ के अंदर घुसते हैं तो भी पुल कम होता है, ये आपने पढ़ चुके हैं आप क्लास 11 की ग्रेविटेशन में। सेम चीज यहां पर भी है। तो पुल हमारा कितना है ये जब तक आप जगह नहीं बताओगे तब तक ये क्वेश्चन ही अधूरा है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सच पूछिए तो ये क्वेश्चन ही अधूरा है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कहां पर। क्या मैं माउंट एवरेस्ट पे पूछ रहा हूं, भोपाल में पूछ रहा हूं, मुंबई में पूछ रहा हूं, सी लेवल पर पूछ रहा हूं? यह बात दूसरी है कि भोपाल मुंबई की बिल्डिंग के ऊपर है या नीचे, लगभग चेंज नेग्लिजिबल है, लेकिन साइंटिफिकली सोचे तो हम जिसको 9.816 कहते हैं उसकी वैल्यू सी लेवल पर कही गई है। इसीलिए आपको याद होगा जब आपने पिछले वर्ष ग्रेविटी जमीन के ऊपर जमीन के नीचे पढ़ी थी, आपने पढ़ी ना ग्रेविटी, जब आप कहते हैं ऊपर चले गए नीचे आ गए, ये दोनों केस आपने करे, उस समय उसको जी डैश बोलते, जी नहीं बोलते, जी की वैल्यू स्मॉल जी की बात कर रहा हूं मैं, 9.816 है स्मॉल जी की, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द सी लेवल, सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये नाम दिया गया है जी उसको, लेकिन ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब भी बोलेंगे, तो वो कहेंगे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसलिए किसी जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने के लिए आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कहां निकालना है। यही चीज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां निकालना है। जैसे आप एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, क्यू लीजिए मैंने चार्ज लिख रखी। अब आपको पता है इसके आसपास मैं जहां पर भी चार्ज रखूंगा इस पर फोर्स तो लगेगी, लेकिन कितनी लगेगी ये डिपेंड करता है आपने चार्ज को कहां रखा। तो इसके लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पर अलग होगी, लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका आप कह सकते हैं हाँ जी इस पूरे हिस्से में इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है पर उसकी इंटेंसिटी माने मैग्नीट्यूड उसका अलग अलग है।
तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिकल को थोड़ा कंपेयर कीजिए, आप समझ। तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को जरा ग्रेविटेशन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताइए किसको बोलेंगे। एक तरीका तो ये आपने कहा कि 9.816 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको पता है, लेकिन अब कहीं पर नापने के लिए किसी ने बोल दिया तो आप क्या बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स ऑन 1 kg मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो डेफिनेशन में बोलेंगे फोर्स पर यूनिट मास, और मैथमेटिकली एम को वन करती है। भले मान लो किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिसको ए लिख रहा हूं मैं यहां पर, दैट इज फोर्स डिवाइड बाय एम। कि उस जैसे आप देखिए, अगर 1 kg है तो बॉडी पर कितनी फोर्स है, एम इंटू ए। 2 kg है तो 2m into a। तो आपने कहा जितना फोर्स लगेगा उसको उसके मास से डिवाइड कर दो, आपके पास उस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। यही काम यहां पर है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में भी यही है, फर्क सिर्फ इतना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं बड़े ई से, विराट कैपिटल ई, और इसकी वैल्यू लिखेंगे एफ डिवाइड बाई क्यू, एफ डिवाइड बाई क्यू। अब एफ डिवाइड बाई क्यू, अब क्यू तो आपको पता है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मास में नेगेटिव नहीं है, मास सिर्फ पॉजिटिव है, तो इसके लिए मास में आपको चक्कर नहीं पड़ता नेगेटिव मास का। लेकिन यहां पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए आपने डिफाइन करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 coulomb चार्ज विच इज पॉजिटिव। सो हम कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय +1 coulomb चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। रिमेंबर, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप बिना जगह बताए नहीं पूछ सकते, इसी तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बिना जगह बताए नहीं पूछ सकते। तो आपके पास क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज यहां पर आ गया। इसलिए इसकी यूनिट देखो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट देखिए फोर्स अपॉन चार्ज विच इज न्यूटन पर कूलम। तो आपने एक, इसका मतलब देसी भाषा में क्या हुआ कि आपने 1 coulomb का चार्ज रखना है प्लस, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन देखनी है और मैग्नीट्यूड देखना है। जो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वही वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। क्लियर? जैसे मास में क्या करेंगे, आप 1 kg को बचा रखेंगे और उस पर जितना भी फोर्स लगे वो निकाल लेंगे। यहां पर ही आ गया। लेकिन अब मैथ्स की तरीके से फिजिक्स और उसमें एक हल्का सा फर्क आता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में क्या लिखते हैं, जरा ध्यान देना, E equals to F by Q, और यहां पर मैथमेटिकली लिखते हैं लिमिट Q tends to zero। हम कहते हैं ये चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, ये हम ग्रेविटेशन में नहीं बोलते, इलेक्ट्रिकल में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जरा इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब ये हो, मान लो मुझे यहां पर ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर, अब मैंने यहां 1 kg का बट्टा रख दिया, तो फोर्स क्या होगी, F is equal to mg, 1 kg का मास रख दिया, 2 kg का रख दिया 2 mg, 1000 kg का रख दिया 1000 mg, उसने क्या किया 1000 mg करो डिवाइड बाय 1000 कर दो, सर वैल्यू जी आ जाएगी, जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना नीचे रख दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अर्थ का खुद का मास 10^24 kg की रेंज में, इतना ज्यादा मास है अर्थ का खुद का, तो आप मास कितना रखोगे यार, 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो, 1 टन, 500 टन कितना रख लोगे आप 10^24 के कंपैरिजन में, वो नेग्लिजिबल ही है। इसलिए इसमें हमें लिखना पड़ रहा है क्यू टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि इसमें क्यू एम टेंडिंग टू जीरो की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम हमेशा बहुत छोटा है। अब इसकी बात करते हैं या हाइपोथेटिकली इसको और समझते हैं। मान लो मैं अर्थ के पास कोई नया ग्रह रख दू, मार्स मैंने लाके रख दिया, तो क्या होगा, अर्थ खुद हिल जाएगी, अर्थ की पोजीशन हिल जाएगी। जहां पर फील्ड रख रहे हो, अगर आप टेस्टिंग पॉइंट पर, टेस्टिंग की जगह मैंने मास में, मैंने ले लिया एक मतलब मास ले लिया, छोटा मास नहीं लिया, तो उसका मास इतना बड़ा कि वो अर्थ की ओरिजिनल पोजीशन को हिला देगा, और अगर अर्थ की ओरिजिनल पोजीशन हिल गई तो जिसकी वजह से मैं ग्रेविटेशन फील्ड निकालना चाहता था वही बदल गया। यह गड़बड़ इलेक्ट्रिसिटी में प्रैक्टिकली पॉसिबल। मान लो ये चार्ज है 1 coulomb का, और मैंने यहां रख दिया 500 coulomb, तो 500 कूलम वाला इतना स्ट्रॉन्ग है वो एक को धक्का मार देगा, तो दिस चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। व्हाई?
टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, सो दैट ओरिजिनल फील्ड कॉन्फिगरेशन इज नॉट डिस्टर्ब, कि उसके होने से फील्ड की जो ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन है, जो ओरिजिनल रख रखा है, वो नहीं बदलना है। इसके लिए डिस्चार्ज शुड बी स्मॉल। मास में जरूरत नहीं, इसमें जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ये क्यू इस क्यू के मुकाबले में बराबर पड़ जाए, रेंज में आ जाए, इसके लिए आपको ये वर्ड लिया। तो आप समझिए इट इज चार्ज विच इज बीइंग केप्ट। अब इसकी जरा वैल्यू निकाल दी। मान लो यहां से मैंने ये आर डिस्टेंस के ऊपर ये चार्ज क्यू रख दिया। अब आपको पता है फोर्स क्या है। अब आप एक बार समझिएगा, बाय डिफॉल्ट हमेशा टेस्ट चार्ज, इसका नाम होता है टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए रखा है, तो टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस वन है, पॉजिटिव है। तो मैंने कहा इस पर फोर्स क्या होगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और आपने कहा सर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, आपने कह दिया दिस विल बी एफ अपॉन क्यू। आपने वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू वन बाय क्यू। आपने देखा इसकी वैल्यू आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव कुछ भी कह सकते हैं। अगर मेरे पास ये चार्ज नेगेटिव हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स इधर लग जाए, ये तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होना है। अगर ये पॉजिटिव है और ये क्यू भी पॉजिटिव है तो मेरा फोर्स इधर और हमके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इधर। लेकिन अगर इस चार्ज को आपने नेगेटिव कर दिया तो मैं बोलूंगा इसका फील्ड इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव की फोर्स उधर लगी। अब हम इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीखते हैं क्या बन जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। ग्रेविटी में आप क्या करते थे, एफ इक्वल्स टू एम जी, ये तो करते क्या, मतलब कहीं पर जो भी ग्रेविटेशन पुल है उसको आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लगेगा उसमें फोर्स कितनी लगेगी। यहां पर आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल, अब यहां पर ध्यान देना, देखो टेक्निकली क्या है, ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर आपने क्यू को प्लस रखा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगना है। आपने क्यू को माइनस कर दिया तो फोर्स हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अब वेक्टर में नेगेटिव का क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं टाइम नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो वेक्टर है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम डिस्टेंस जीरो होता है, ऐसे वेक्टर में माइनस का क्या मतलब होता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। अगर मैं आपको बोलू मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ चला और अगर मैं बोलू मैं -5 किलोमीटर साउथ चला, बात एक ही, क्योंकि साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ होता है, ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज है। तो यह हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक। तो कहीं पर भी फील्ड निकालना, आपने मेंटली क्या काम करना है कि वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखो और स्टडी करो उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगे। अब इसमें भी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कूलम ने क्या था, भाई बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी एक पर लगने वाली फोर्स निकालने के लिए सबका वेक्टर सम करो। इसमें भी वही हालत है कि अगर बहुत से चार्जेस हैं और किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो उन सबके इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर सम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहां देखिए, मान लो मेरे पास एक चार्ज यहां पर है पॉजिटिव, एक चार्ज यहां पर नेगेटिव, एक चार्ज यहां पर पॉजिटिव, ये मैं तीन चार्जों का कॉन्फिगरेशन आपको दिखा दिया, इसको नीचे करूं ताकि क्लियर आ जाए यहां पर। अब मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना, मान लो ये पॉइंट है पी, ये क्या करेगा इधर धक्का मारेगा, ये क्या करेगा इधर अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा इधर धक्का मारेगा, तो मुझे इन तीनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। ये इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हो। आई होप आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तक क्लियर होगा। अगली क्लास में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पर और बातें करेंगे और डाइपोल इत्यादि की बात भी आगे चलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।